अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। केवल 70 साल नहीं, सैकड़ों साल से दुर्भाग्य था कि बंटवारा के समय ही प्रभु श्री राम की मंदिर भव्य बनना था, लेकिन कांग्रेसियों ने रोकते रहा। और जब हम नारा लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, लेकिन लोग कहते थे कांग्रेसी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी घोषित हो गया, प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर बनेगी। भगवान श्री राम का ऐसा तमाचा विरोधी दल को लगेगा कि आप देखिएगा कि उन सारे चारों कहने चित हो गए, बिकॉज वो लोगों ने हमेशा सवाल यही उठाया था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो बेटा सुन लो, तारीख बन गई। अब यही तो है ना कि देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पिरिट भी तो मानना पड़ेगा बीजेपी को। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में।